शिरोमणि महाराजा प्रताप महाराणा प्रताप सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर आज पत्रकार वार्ता की गई है प्रेस क्लब में। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं आप इस पत्रकारिता वार्ता के माध्यम से? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जो राजस्थान में मेवाड़ रियासत थी उसके महाराणा थे। उस वंश को बाप्पा रावल से शुरू हुआ था और आज तक वो वंश चला रहा है। एक ऐसा वंश है जिन्होंने सिर काटे और कटवाए, दुश्मन को हराया लेकिन कभी हारे नहीं। लेकिन झूठा इतिहास बता करके हमको ये बताया गया कि अकबर ने उसको हराया और पता नहीं उसके बारे में क्या क्या लिख दिया, जबकि महाराणा प्रताप सदैव जीते। और इसका सबूत ये है कि अकबर जिसको कहते चित्तौड़ जीत लिया था, उसमें मीराबाई का द्वारा बना हुआ मंदिर जो महाराणा प्रताप की चाची थी उसने बनवाया था, और उनके गुरु रविदास जी थे। ऐसे सारे समाज को लेकर के चलने वाला महाराणा प्रताप, और ऐसा ये वंश जिसके अंदर जाति भेद नहीं था, पंथ भेद नहीं था, सारा समाज उनके साथ खड़ा रहता था, इसके कारण से वो जीतते चले गए। और लेकिन जब ये अंग्रेज आए, इन्होंने इतिहास को बदला और उसको हारा हुआ दिखाया हल्दीघाटी के युद्ध में। ये सब बातें समाज को पता पड़े, इसलिए महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हुए हम 14 तारीख मई को रविवार शाम को 5:30 बजे टीचर भवन गांधीनगर में इनका एक कार्यक्रम रहेगा। उसमें सभी बिरादरियों के लोग, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो परिवार सहित आएं और इस इतिहास को ठीक से समझ करके अपने बच्चों को समझाएं, ताकि हिंदू समाज को अपनी दिशा ठीक मिले, अपने पूर्वजों पर गर्व हो, इस प्रकार का भाव लेकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम के बाद भोजन वही रहेगा, इसलिए सबसे प्रार्थना है कि परिवार सहित आएं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि 14 तारीख को जो है प्रोग्राम किया जाएगा शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी के जन्म दिवस पर, तो क्या खास रहने वाला है? देखिए, ये हर साल श्री अमर क्षेत्रीय रायबू सभा और धर्म जागरण समन्वय और बाकी जितनी भी बिरादरियाँ हमारे समाज की हैं, हम सब इकट्ठा मिलकर इस कार्यक्रम करते हैं। और ये 483वां जन्मदिवस जो है हमारा महाराणा प्रताप जी का, ये मनाने जा रहे हैं हम। तो उसमें ये है कि हम जो आने वाली जनरेशन है उसको ये हम बताने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने किस ढंग से अपना जीवन जिया। वो अपने लिए नहीं, उन्होंने अपना जीवन, वो सुखमय की ज़िंदगी वो छोड़कर वो जंगलों में चले गए और घास की रोटी उन्होंने वहाँ खाई। तो ये एक आने वाली जनरेशन को ये समझाने के लिए कि जिस ढंग से उन्होंने अपना जीवन जिया, उनसे प्रेरणा लेकर हम भी समाज में ऐसा काम करें और समाज को कुछ दें और देश के लिए, हम एक देश को मजबूत करने के लिए हम काम करें, जैसा महाराणा प्रताप जी ने समाज के लिए किया था। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आज प्रेस क्लब में महाराणा प्रताप सिंह जी की जो जन्म दिवस है उस पर किस तरह का प्रोग्राम रहेगा, उनके सिद्धांतों पर और उनके जो कर्म कट थे उनको उनके ऊपर चलने के लिए जो आज की जनरेशन है उन्हें आगे बढ़ाना है, इस तरह को लेकर ऐसा एक इनिशिएटिव लिया गया है। इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।